कमरे में 300 लोग हैं, उसमें से 200 सो गए, तो कितने बचे? 300। वाह 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 आलिया जी, क्या सवाल लेकर आई हैं आप? कसम कसम, ये सवाल आलिया नहीं, गोलियां लेके आए हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया उसकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, देखो तो सही। भाई सिर्फ एक मात्रा का फर्क रह गया, 100 में 2 मात्राएं हैं और 100 में 1 मात्रा है, 100 और 100। सही बात है, 3 सवाल में से 2 का जवाब भी आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। 1 सवाल का दंड भर दूंगा। हो गया, अब बारी है आपके परफॉर्मेंस की। आपको परफॉर्म करना है मटर पेटिस। मटर पेटिस ने हंस, मटर गश्ती। चाहूंगी हमारे दूसरे मेंबर को। तो हमारे अगले मेंबर हैं, सोचिए सोचिए कौन होगा। तो हमारे अगले मेंबर हैं सबसे बुजुर्ग, सबके चहीते, सबसे समझदार, सबके प्यारे चंपक चाचा जी। वेलकम चंपक चाचा जी। नमस्ते। तो आपके पार्टनर को चुनिए। बोले ये तो खाली है। अगर आपकी चिट्ठी में किसी का नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सोलो परफॉर्मेंस करना है। Come on, दादाजी, come on! मैं तैयार हूँ। तो ये है आपका पहला सवाल। गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे कौन से 6 लोग हैं जो रेगुलरली सुबह 6 बजे से पहले उठते हैं, उनके नाम बताइए। तो सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई भी हो लेकिन जयदलाल पक्का नहीं है, सबसे लेट उठते हैं। पप्पू जी, 6
सोचने दे भाई मुझे जरा। सबसे पहले तो है भिंडी मास्टर, जो 6 बजे से पहले उठ जाता है और योगासन करता है। फिर है बबीता बेटी, माधवी बेटी, फिर हाँ अंजलि बेटी भी सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती है और वो मैतुस को भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन मैतुस उठता नहीं है। एकदम सही कहा। नहीं नहीं संडे को नहीं उठता, बाकी उठ जाता है। और कौन है? हाँ, और है मेरा टपुड़ा जो 6 बजे से पहले उठ के क्रिकेट के कोचिंग में जाता है। और अरे हाँ, छठा सदस्य मैं खुद हूँ। मैं भी तो उठ जाता हूँ सुबह 6 बजे से पहले। आप तो अपना भूल ही गए बापूजी। चलिए देखते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। सही जवाब। टपक चाचा जी आपसे पूछते हैं अब हमारा दूसरा सवाल। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गए चाचा जी ये क्वेश्चन में गए। अरे क्या क्या गए क्या गए? छे पपजी ये देखे ना ये भी बोल रहे हैं गए स्टॉल में चाचा जी गए। छे यार बबीता जी अच्छा लगता है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये कौन है? क्या 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 बोला? कुछ नहीं। बृहस्पति यानी जुपिटर यानी गुरु ग्रह, सबसे बड़ा गुरु ग्रह। हाँ मालूम है। क्या हो रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं। बबीता जी आपके लिए तीसरा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद देख नहीं सकती पर अंधेरे में रास्ता दिखाती है? अरे भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब है टॉर्च। टॉर्च खुद देख नहीं सकती लेकिन अंधेरे में रास्ता जरूर दिखाती है। चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। वाह दादा जी क्या बात है, तीनों दिन आंसर्स राइट। बापू जी वाह। वेल, तीनों सही जवाब देने के बाद अब बारी है चंपक चाचा जी के परफॉर्मेंस की। आपको परफॉर्म करना है क्या बात है चाचा जी, आपको बहुत बढ़िया भजन मिला है। ये भजन तुम्हारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था। हाँ। इसलिए आज ये भजन आप गाएंगे, ये बिल्कुल आपके स्वभाव के अनुरूप है। वैसे भी गांधी बापू का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था जो अभी आने वाला है। आइए आपकी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं।
जी। वाह वाह चाचा जी, खूब सुंदर, आपने तो एक एक शब्द का अनुभव करा दिया हमें। बहुत बढ़िया भजन था। पर बावरी, ये भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। क्या बात है, इस शानदार शाम में एंटरटेनमेंट का दौर चल चुका है। चंपक चाचा के शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब है सोडी भाई की बारी। लेकिन वो स्टेज पर तभी आएंगे जब बजेंगे तालियां ढेर सारी। वेलकम वेलकम सोडी भाई। थैंक यू। तो आपका पार्टनर सुनिए जल्दी से। बिल्कुल लेते हैं जी। वैसे ये चिट चुनना तो एक फॉर्मेलिटी है जी। ये दीवाना मस्ताना परवाना जो रोशन सिंह सोडी है, इसको 100% यकीन है कि इसका एक ही पार्टनर हो सकता है और वो है रोशन को सोडी। देखते हैं क्या निकलता है। देर करी रोशन, मारो नाम ना थी? वो सोनी है, वो रोशन सिंह सोडी की जिंदगी में और तेरा नाम ना हो, ये हो सकता है? रोशन का सोडी तेरा ही नाम है बेटा, आजा आजा आजा। तो सोडी भाई और रोशन भाभी, आप दोनों लव बर्ड्स के लिए पहला सवाल, और ये सवाल है स्पेसिफिकली सोडी भाई के लिए। ऐसा क्या है जिसे आप अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करते हैं? बोल बोल, मुझसे ज्यादा किससे प्यार करता है तू? ओ यारो, ओ जवाब है मेरे पास, मेरी रोशन डार्लिंग से ज्यादा, इस पूरे संसार से ज्यादा, इवन खुद अपने से भी ज्यादा। अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो है रब जी। जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया है, जिनकी वजह से हम सब है रब जी, जिनकी वजह से मैं और तू है। सुनिए, जब कुछ नहीं था तब भी रब जी थे, जब युग बने तब भी रब जी थे, आज भी रब जी हैं और आने वाले वक्त में भी रब जी ही होंगे। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बोले वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की अपने अपने धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए। थैंक यू चाचा जी, बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अपने अपने धर्म में श्रद्धा रखने के अतिरिक्त सर्वधर्म संभाव का भाव होना चाहिए। दिव्य शक्ति की बात में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एकदम सही कहा, मैं तुझ तुने तो यहाँ तो पूरा एग्जांपल है जी। लेकिन ये तो देख ली कि आपका जवाब राइट है कि रॉन्ग है। देखते हैं जी। थैंक यू रफ्ती, थैंक यू। एक सवाल तो हो गया, अब बारी है आपके दूसरे सवाल की। ये रहा, गड्डी यानी कि कार का आविष्कार किसने किया था? रोशन जवाब दे, गड्डी का आविष्कार किसने किया था? तुझे तो मालूम ही होगा। सुनिए, वो गड्डी तो मैं कोई भी ठीक कर सकता हूँ, गड्डी का आविष्कार किसने किया था वो मैंने नहीं आंदा। रोशन आप क्यों करेंगे? कोई गल नहीं सुनिए, फाइन भर देते हैं।
हाँ ये भी ठीक है। नहीं रोशन, फाइन भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर मुझे मालूम है। कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। गलत कर दिए, कार्ल बेंज। ओके, तो चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। वाओ, दैट्स द राइट आंसर। क्या बात है रोशन भाभी, सुपर। हाँ रोशन भाभी, कहाँ से पता चला है जवाब? अरे माधवी भाभी, रोशन मेरे से जास्ती टाइम गड्ढियों के साथ बिताता है, पर जिसके साथ इतना टाइम बिताता हो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। अब आ रहा है आपका तीसरा सवाल। एक कील के दो ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से खत्म हो जाए उनका संसार। सैनिक, सोच रोशन सोच, क्या आंसर होगा? कुछ सुनिए, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। द्वार, सैनिक, लकड़ीदार, तेनु अंदर तो तू दस ना यार। नहीं आता। चल कोई गल नहीं, दो जवाब तो दे दिए, अभी तीसरे का जवाब नहीं आ रहा तो फाइन भर देते हैं, है ना? तो नहीं भर देना मैं। ओके, तो सोडी भाई ने तो फाइन भर दिया है, लेकिन आप लोगों में से इस सवाल का जवाब किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? मुझे आता है इसका जवाब। यस अंजलि भाभी। अरे बाबा, ये वो चीज है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मैच बॉक्स, माचिस। कैसे? अरे बाबा, एक किले के दो ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, यानी कि तीलिया। अच्छा, तो दो द्वार मतलब दोनों तरफ से खुलता है। और टकराए जब दीवारों से खत्म हो जाए उनका संसार, यानी कि माचिस की दीवार पे तिली के टकराने से तिली की जिंदगी खत्म हो जाती है ना, तो हो गया ना माचिस। वाव, अंजलि भाभी, थैंक यू। ओके, चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो अब बारी है आप दोनों की परफॉर्मेंस की। देखते हैं कि आपको किस पे परफॉर्म करना है। दोस्तों, मैं जो शुभम उत्साह के साथ चल रहा है गोकुल धाम धूमधाम 2018, एक से बढ़कर एक शानदार कला का प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर, और अटपटे सवाल पूछे जा रहे हैं, चटपटे और मनोरंजक जवाब दिए जा रहे हैं। और अब बारी हमारे जोशीले रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी की। अब देखना यह है कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो 10,000 रुपए दंड लगेगा। अब देखना यह है कि क्या करते हैं रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी। भाई, त्योहारों के मौसम में आप भी हमारे उत्सव में शरीक होइए और खूब आनंद उठाइए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।